हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत सारा प्यारा वेलकम है। दोस्तों, ये है लिपन आर्ट और इसे मैंने घर पे बनाया है, पहली बार बनाया है और ये पहली बार में भी बहुत अच्छा बन के आया है, छोटा सा क्यूट सा बन के आया है। इसे कैसे बनाते हैं चलिए आइए देख लेते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा, आपने कई सारी वीडियोज़ देखी होंगी, आपको पता होगा लिपन आर्ट कैसे बनाते हैं। उसे एमडीओ बोर्ड पर बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास एमडीओ बोर्ड नहीं था और मैं इसे ख़रीदना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, बिगिनर हूँ। तो मैं इसे पहले बना करके देख लेना चाहती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। इसके लिए मैंने एक सर्कल शेप का कार्डबोर्ड लिया और उसे दूसरे पर रख करके इसके शेप निकाल के उसको कट कर लिया है और उसे ग्लू की हेल्प से मैंने चिपका लिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कार्डबोर्ड का जो पतलापन है वो थोड़ा कम हो जाए, उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए और उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो अगर आपके पास एमडीओ बोर्ड है आप वो यूज़ कर लीजिए, या नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, उस पर भी लिपन आर्ट बहुत अच्छी बन जाती है। और अगर आपके पास मास्किंग टेप है तो आप वो यूज़ करें इसके किनारों को सिक्योर करने के लिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने टिश्यू पेपर को यूज़ किया है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू और पानी को मिक्स करके आप टिश्यू पेपर को इसके एजेस पे लगाते जाइए, एक एक करके लगाते जाइए। इससे इसका जो एजेस है वो सिक्योर हो जाएंगे, इवन लुक में आ जाएंगे और अच्छे लगेंगे देखने में। वैसे तो दोस्तों, लिपन आर्ट को मोल्डेड क्ले या फिर शिल्पकार क्ले की हेल्प से बनाया जाता है। उससे वो बहुत अच्छा बनता है क्योंकि उसके एजेस भी ठीक रहते हैं, अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे ज़ीरो पोस्ट में बना रही हूँ, इसलिए मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। और वॉल पुट्टी तो आप सभी के घर में और मेरे घर में ईजिली अवेलेबल होता ही है। हम जब भी कभी वाइट वॉश करवाते हैं या घर की थोड़ी मेंटेनेंस करवाते हैं तो वॉल पुट्टी हमारे पास होती ही है, बच जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करा है और इसका पफेट तो तैयार कर लिया है। हाथों से थोड़ा मसल मसल करके हम इसे डो का रूप दे देंगे और ये बहुत अच्छा बन जाता है क्ले। तो मैंने इसका यूज़ किया है। अगर फिर भी आप अच्छा और इवन लुक चाहते हैं तो आप मोल्डेड क्ले यूज़ कर लीजिए, लेकिन मैं इसे ज़ीरो कॉस्ट में बना रही हूँ और मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मैं पहले बना के देख लेना चाहती हूँ कि क्या आउटकम आता है, इसीलिए मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। वैसे दोस्तों, अगर आप वॉल पुट्टी का यूज़ करेंगे तो ठीक ही है, अगर आपके घर में है तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप 50 रुपये का एक पैकेट आता है 1 kg का, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। उस 1 kg के वॉल पुट्टी से आप अनेकों डिज़ाइन, अनेकों DIYs और अनेकों वॉल डेकोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और उसके बाद आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद जब आप इस स्टो का वर्क करेंगे तो आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से काम हो पाएगा आपका। तो उसी बेस पे मैंने प्रकार की सहायता से 3 से 4 इस पे सर्कल बना लिए हैं। हम सभी को प्रकार का वर्क तो करना आता ही है और मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइन रखा है। बस पेंसिल की हेल्प से प्रकार को घुमा घुमा कर 3 से 4 यहाँ पे सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। वैसे तो दोस्तों, लिपन आर्ट में बहुत ही बेसिक और सिंपल सा डिज़ाइन है जिसे मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन आप चाहें तो और भी सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं पहली बार बना रही थी इसीलिए मैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने ये 4 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। फिर वॉल पुट्टी डो का एक छोटा सा पोर्शन लिया है और उसे अपनी उंगलियों और पाम्स की सहायता से स्प्रेड कर करके एक डोरी का रूप दे देना है। और उस डोरी को जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाया है वहाँ पे ग्लू लगाइए पहले, और ग्लू लगाने के बाद इस डोरी को वहाँ पे चिपकाते जाइए। और जब कट करने की बारी आती है तब कट करने के लिए आप नाइफ या पेपर कटर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये स्पैचुला पड़ा था तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और जब इसका कटिंग एरिया है उसे छुपाने के लिए, उसे लॉक करने के लिए आप फिंगर टिप पे थोड़ा सा पानी लीजिए और उसे थोड़ा थोड़ा मैशी मैशी कर देंगे तो इसके जो लॉक हैं, जो इसके एजेस हैं जो कट कट दिख रहे थे, वो लॉक हो जाएंगे और अच्छे दिखने लगेंगे, अनइवन नहीं रहेंगे, इवन दिखने लगेंगे। फिर टूथपिक की हेल्प से मैंने इस पे छोटे छोटे डॉट्स बना दिए जो कि एक डिज़ाइन का रूप बन गए हैं। और फिर इसी तरीके से मैंने दूसरी डोरी भी तैयार कर ली है और दूसरी डोरी पे मैंने टूथपिक की हेल्प से स्लेंटिंग वे में कट दिए हैं जिससे एक नया डिज़ाइन बना है। ऐसे ही मैंने तीसरी डोरी लगाई है और ऐसे ही मैंने चौथी डोरी लगाई है। दोस्तों, अगर आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है या फिर अगर आपके पास मोल्डेड क्ले भी नहीं है तो फिर आप एक वाइट कलर का मोटा सा धागा आता है उसकी सहायता से भी आप लिपन आर्ट बना सकते हैं और उससे भी बहुत सुंदर लिपन आर्ट बन के आती है, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। Thank you.
इस आर्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद दोस्तों मेरे पास वॉल पुट्टी डो का थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, तो मैं इसे थ्रो नहीं करना चाहती थी, मैं इसका यूज़ ही कर लेना चाहती थी। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसे थोड़ा सा फैला करके एक डोरी का रूप दे दिया और उसको इवन मैंने इसके कट्स निकाले और उन कट्स को मैंने अपने पाम्स में थोड़ा सा रोटेशन दे करके एक गोल सर्कल बना लिया और फिर उस गोल सर्कल को जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसा कर लेने के बाद नीचे से इसके टेल एरिया को मैंने थोड़ा सा बैंड कर दिया, एक दूसरे की तरफ चिपका दिया जिससे कि लीव शेप में आ गए। अगर आप इसे पहली बार भी ट्राई कर रहे हैं तो भी आप इसे बहुत अच्छा बना लेंगे। तो ये छोटे छोटे इसके लीव्स बन के आ गए हैं, तो मैंने इसे बना लिया और इनका यूज़ मैं कर लूँगी यहाँ पे, इस वाली डोरी के यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से इन सभी को चिपका लूँगी और एक नया डिज़ाइन बन करके आ जाएगा। तो दोस्तों अब मेरी आर्ट, ये लिपन आर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है इस पे जैसो अप्लाई करने की, तो मैं जैसो अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे बजट में बना रही हूँ, जैसो मैंने नहीं ख़रीदा है। अगर आपके पास जैसो तो आप वो अप्लाई करिए, वैसे जैसो वॉल पुट्टी से भी बनाया जा सकता है, पर यहाँ पे मैं जैसो का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसे एमडीए बोर्ड पे नहीं बल्कि एक कार्डबोर्ड पे बनाया है, तो घर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं इस पे सामान लगा रही हूँ। तो मेरे पास वाइट एक्रेलिक कलर था तो मैंने वो लगाया है इस पे, आप भी यही लगा सकते हैं क्योंकि एक इवन लुक देना होता है जिसपे कि अगर कलर चढ़ाएँ तो कलर सुंदर निकल के आए। तो व्हाइट कलर से मैंने इस पे एक बेस दे दिया है, दूसरा कोट भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो वाइट पेंट हो जाने के बाद अगर आप इस पे कोई भी कलर लगाएंगे तो कलर बहुत ही निखर के सामने आएंगे, चमकीला सा इफेक्ट देंगे। तो मैंने इसके आउटर रिंग पे ये ऑरेंज कलर किया है। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो बनाएं, अपने लिपन आर्ट में वो यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज यूज़ किया है, इस वाले रिंग एरिया पे भी मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है और इसका जो आउटर एरिया था जहाँ पे हमने टिश्यू पेपर लगाए थे वहाँ पे भी मैं ऑरेंज कलर ही यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि ये एक साथ हो जाए, अलग अलग से ना लगे। तो पूरा ऑरेंज कर लेने के बाद मेरे पास ये लेमन येलो कलर था, इसे भी मैंने बची हुई जगहों पे लगा लिया है। आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो अपने कलर्स में वाइट कलर को ऐड करके शेड्स भी दे सकते हैं, तो आप वो भी ऐसा कर सकते हैं। फिर मैंने वाइट कलर को एक ब्रश की हेल्प से, पतले वाले जीरो नंबर के ब्रश की हेल्प से इन स्ट्रिप्स पे जो मैंने वॉल पुट्टी डो से बनाई थी वहाँ पर कर दिया है, जिससे कि जो भी कलर फैले हुए थे जो उन पर चढ़ गए थे वो इवन लुक में आ जाए और अच्छे लगने लगे। तो ये आर्ट पीस कंप्लीट होने के बाद इसको वॉर्निश कर सकते हैं आप, आपके पास वॉर्निश है तो आप लगाइए। मैंने यहाँ पे नेल पेंट का जो वॉर्निश होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है वो वाला लगाया था, जिससे ग्लॉसी लुक आता है और हमारा जो आर्ट पीस है वो सिक्योर हो जाता है लॉन्ग लास्ट के लिए। और फिर हमारा लिपन आर्ट कंप्लीट होता है कट मिरर्स के साथ। अगेन दोस्तों आपके पास जिस भी शेप के कट मिरर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में सर्कल शेप वाला कट मिरर लिया है और यहाँ पे सबसे आउटर वाले रिंग पे मैंने ये बड़े वाले जो स्क्वायर शेप के जो मिरर्स थे वो लगाए हैं। ऐसी मैं लगाती गई हूँ, जो भी मेरे को अच्छे लगे वैसे मैंने लगा दिया है, मैंने कुछ सोचा नहीं था, जैसे मुझे अच्छे लगे मैंने लगा दिए। और ऐसा वाले ये ट्राइंगल वाले यहाँ पर लगाने के बाद एक सन वाला फीलिंग आने लग गया था यहाँ पर। तो कुछ नया सीखने की चाह में दोस्तों आखिर मैंने अपना लिपन आर्ट बना ही लिया, जो कि बन के सुंदर ही आया है और मन को प्राउड फील होता है जब हम कुछ अपने हाथों से अपने घर को सजाने के लिए बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, दिवाली आने वाली है दोस्तों, इसीलिए अपने घर को सजाने के लिए मैं और भी DIYs तैयार करूँगी, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखना, सपोर्ट करना और मेरे चैनल पर आपको कई तरह के कंटेंट देखने मिलेंगे, जैसे कि TLM वीडियोज़, होम डेकोर DIYs, प्रिटेंडिंग प्ले DIYs एंड कार्ड मेकिंग आइडियाज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।